आज हम आपसे शेयर करेंगे कटहल की चटपटी स्पाइसी मसालेदार फ्लेवर से भरपूर लुटपुटी कटहल की सब्जी। हेलो एवरीवन, मैं दिशा, मेरे वेल प्लेट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सब्जी को आप एक बार बना लेंगे तो आपको बार बार इसको बनाने का मन करेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कटहल की सूखी या लुटपुटी सब्जी बनाने के लिए लेंगे 800 ग्राम कटहल। ये बिल्कुल फ्रेश कटहल है और इसको हमने छील करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इसके जो ऊपर का हिस्सा है इसको भी हमने हल्का सा कट करके अलग कर दिया है और इसको एक पानी से वॉश कर लिया है। और हाँ, ये कटहल फ्रेश है इसलिए इसके जो बीजे या इसको बहुत सारे लोग कोया भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब लेंगे 3 मीडियम साइज प्याज, 1 पूरा साबुत लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको हम छील करके मोटा मोटा दरदरा ग्राइंड पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। लेंगे कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे और इसमें एक बड़ी कटोरी सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि ये सब्जी बिल्कुल नॉनवेज स्टाइल में बनती है। सरसों के तेल की जगह पे आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लेंगे खड़े गर्म मसाले, 1/2 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, एक छोटा पीस दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, इसको हमने क्रश कर लिया है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। सारे खड़े गर्म मसाले इसमें डाल देंगे, मसाले क्रैकल हो गए हैं। लहसुन प्याज अदरक का दर्रा पेस्ट डाल देंगे। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे। इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी और अब डालेंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और ये है चिकन मसाला, इसको डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम। ये अशोक का चिकन मसाला है। इस मसाले से सब्जी का स्वाद और इन्हेंस होके आएगा। और 1/2 टीस्पून से कम हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, कम या ज़्यादा जैसा पसंद करते हो। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम गर्म मसाला डालेंगे, ये होममेड गर्म मसाला है। सभी मसालों को स्टर करेंगे। मसालों से ऑयल हल्का सा अलग हो गया है और मसाले को बहुत अधिक सुखाना नहीं है। इसी मसाले में डालेंगे कट किया हुआ कटहल। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे और इसको ढक करके 15 मिनट पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कटहल को चेक करते हैं, कटहल बहुत अच्छे से कुक हो गया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डालेंगे भुना जीरे का पाउडर। लो फ्लेम पर 5 मिनट इसको और पकाएंगे। कटहल की मसालेदार सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको किसी सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। स्वाद में स्पाइसी डिफरेंट मसाले की कटहल सब्जी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस सब्जी को आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरी कटहल की सब्जी, मसालेदार स्वाद वाली सब्जी आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।